हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब ये वाला मेकअप लुक आप ऑलरेडी देख चुके मेरे चैनल के ऊपर दुर्गा पूजा मेकअप लुक मैंने शूट किया था पांच छह दिन पहले वीडियो को एडिट नहीं कर सके तो कल रात को ये वाला मेकअप लुक मैंने अपलोड किया um, आप लोगों को पसंद आया थैंक यू सो मच गाइज लुक आपको अच्छा लगा बाकी लुक लग जो था ना गाइज बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल था आप इसको किसी भी फेस्टिवल में कैरी कर सकते हो कोई भी वेडिंग फंक्शन में आप इसको कैरी कर सकते हो दिवाली पे करवा चौथ पे आप किसी पे भी कर सकते हो क्योंकि बहुत बेसिक सटल न्यूड वाला हर एज ग्रुप के कर सकते हैं हर एक स्किन टोन के ये वाले लुक को अचीव कर सकते हैं तो बड़ा ही ज्यादा वो वाला लुक था इसलिए मेरा मन था कि मैं इसको डालू एंड दुर्गा पूजा का लुक मेरे चैनल से तो भैया जाना ही जाना था जो मर्जी हो जाए हाँ मैंने लेट डाला बट मेरी इंटेंशन जो थी कि मैं पांच दिन पहले मैंने इसको शूट कर लिया था नहीं जा सका टाइम पे कोई बात नहीं आ, बट मेरे चैनल से जाना था अब एक और लुक है गाइस जो अटका पड़ा है मेरा दिमाग में जितनी देर में अपनी ज्वेलरी वगैरा उतारे ना उतनी देर आपका सिर तो यार खा सकती हूँ ना वो देखते रहो आप लोग कि मैं अपनी ज्वेलरी उतार रही हूँ एक और लुक की जो मैं बात कर रही वो था नवरात्रि लुक एक लुक है आउटफिट मेरा रेडी था ज्वेलरी मेरी रेडी थी आ, इंस्टाग्राम की रील पे जो मैंने आ, जो बनानी थी इंस्टाग्राम की रील उसके ऊपर मैंने गाने भी सोच के रखे थे सेव करके रखे थे भैया वीडियो ही नहीं मैं शूट कर पाई अब मेरे दिमाग में वो अटकी जा रही है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को मैं जब भी इंस्टा रील खोल रही हूँ ना मुझे नवरात्रि की कोई भी अगर मुझे क्लिप्स नजर आ रही है तो आई एम लाइक मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया मैंने क्यों नहीं किया मेरे को करना चाहिए था अब कर सकती हूँ तो आई थिंक मैं फिर से थोड़ा सा बैक जाऊंगी एंड आई थिंक आई क्रिएट नवरात्रि लुक अगर नहीं क्रिएट किया तो पंजाबी बोलते हैं ना मेरी गिरारी ना अड़ी रहनी है फिर मेरी गिरारी अड़ी रहेगी फिर मेनू ने टेंशन हो ही जानी है इस कारण शायद मैं एक और लुक लेके आऊंगी नवरात्रि मेकअप लुक तो प्लीज बेयर विथ मी देख लेना भैया आई विल ट्राई कि मैं जरूर यार करूंगी यार मैं नहीं तो मेरा ना पता है क्या मेरा दिमाग घूमता रहेगा कि मैंने क्यों नहीं किया जो मैंने सोचा होता क्योंकि अगर अब कर दिया तो कर दिया अब समझ रहा फिर अगले साल मौका आता फिर यू नो बट एव रियली वेरी सॉरी मैं जैसे प्लान करती हूँ हो नहीं पाता क्या करें वन वुमेन आर्मी हूं ना मैं यहां पे मैं यार पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ छोड़ो मेरे को छोड़ो <laughs> बस अपनी ज्वेलरी उतार रही थी देख रही थी ये वाला फूल और कहाँ कहाँ टिक सकता है चलो हो गया बस नहीं अभी मैं और पंगे लूंगी फ्लावर ज्वेलरी के साथ कुछ दिमाग भिड़ा रही थी मैं अपना देखो कितना चलो रखो बेटा साइड में रखो फूल को ही गया बालों में ओके <laughs> गाइस okay ये वाला मेकअप लुक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक में आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना मेकअप किया था फिर चार पांच मैंने वीडियो शूट की थी एंड उसके बाद फिर अगले दिन मैंने घर की सफाइयां करनी शुरू कर दी थी ऐसे सफाइयां कर रहे थे हम लोग जैसे दिवाली हो क्योंकि एक्चुअली घर पे छोटी सी पार्टी रखनी थी आरफ के फ्रेंड्स के लिए यही यार आसपास वाले बच्चे थे और तो कोई भी नहीं था तो फिर घर बहुत ज्यादा गंदा गंदा लग रहा था थोड़ा सा मेक भी करना था घर को रूम को मेक भी किया वो भी दिखाऊंगी आपको मैं वीडियो में तो चलो यहाँ पे मैंने करते करते बातें करते करते बालों को भी खोल लिया नाइट सूट डाल लिया और ज्वेलरी उतार ली मैंने अपनी चलो अब मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हूँ अच्छा आपने लेंस का फो ढूंढ रही थी ज्वेलरी वगैरह मैंने अपनी थोड़ी सी साइड में कर दी लेंस की डब्बी ढूंढ रही थी सबसे पहले हम रिमूव करेंगे अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज और जो कॉन्टेक्ट लेंसेज रिमूव करने के बाद जो शांति मिलती है ना आ बट थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों को ये वाला बेसिक वाला एकदम ना ट्रेडिशनल इंडियन मेकअप लुक बड़ा ज्यादा पसंद आया मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ना कमेंट्स देखे थैंक यू सो मच गाइस अभी यूट्यूब पे मैं रिप्लाई नहीं कर सकी कमेंट्स का बट एक बार मैंने स्क्रॉल डाउन करके देख लिया था बस अब बैक टू बैक में एक्चुअली मैं लेट हो गई हूँ ना पांच दिन वीडियो नहीं डली अब पांच दिन की भरपाई कौन करेगा भैया अब पांच दिन की भरपाई भी तो मेरे को ही करनी है अब बैक टू बैक बैठी हूँ बस एडिटिंग करी जा रही हूँ डाल रही हूँ एडिटिंग कर रही हूँ डाल रही हूँ यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का वो लिया था मेकअप रिमूवर लिया था ओ, क्लेंजिंग मिल्क नहीं है जो आपको पता तो यार मैं हर वीडियो में यूज करती हूँ ये काफी अच्छा है यार इसके साथ में बड़े आराम से निकल जाता है ना मेकअप तो मैंने ये ले लिया अच्छे से मसाज कर लो तीन चार मिनट सारा मस्कारा वगैरह आप इसको मेल्ट कर लो तो आराम से ये निकल जाता है रगड़ रगड़ के अपना मुंह साफ करे मैं देखो कितनी मेहनत से मेकअप करते और एक सेकेंड एक झटका लगाते है टाक सारा मेकअप उतार देते हैं और बस हैंकी था इसी के साथ मैंने साफ कर लिया क्योंकि पता नहीं कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे आप टिश्यू वो मत यूज क्या करो क्या बोलते उसको टिश्यू बोल रही थी मैंने क्या बोलती उसको यार अरे मैं नाम ही भूल गई उसका वो कौन सा होता है जो मुंह साफ करने के लिए होता है तेरी दी चलो अच्छा मैंने उसके बाद में यार फेस वॉश करके क्रीम और सीरम लगाया था सीरम मेरी वो वाली क्लिप ही डिलीट होगी मुझे मिल ही नहीं रही पता नहीं क्या किया मैंने कहा डिलीट होगी ये कल रात को मैंने शूट किया है फिर तो कल रात वाली क्लिप को एड करो इसके साथ मैंने क्या किया था फेस वॉश करके मैंने उसके बाद फिर टोनर लगाया और फिर मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का डेंडेलियन सीरम लगा रही एंड गाइस आज की वीडियो में आपको मैं ये वाले सीरम का रिव्यू भी शेयर करूंगी मुझे इसका टेक्सचर इतना ज्यादा पसंद आया आ, अलग सा इसका गुई सा टेक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा टेक्सचर है स्टिकी नॉट इन अ बैड सेंस बट तो स्टिकी मतलब आई डोंट नो आई लव द टेक्सर अगर आप लेना चाहते हो तो इसको जरूर लेना हर एक स्किन टाइप को ही जमेगा हर एक स्किन टाइप को ड्राई वालों को ऑयली वालों को कॉम्बिनेशन वालों को हर एक को पसंद आएगा ये वाला एंटी एजिंग है ये वाला डेंडेलियन सीरम आपके फाइन फाइनलाइन और रिंकल्स के ऊपर काम करेगा दाग धब्बे भी हटाएगा अभी चलो मैं इसका छोटा सा एक रिव्यू भी करती हूँ और सीरम मेरे पास कौन कौन से हैं कौन कौन से मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ गुड वाइब्स के बेसिकली ठीक है जितने भी प्रोडक्ट्स है सबके परेज लिंक में आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही थी आज की वीडियो लेकिन एंड में अभी दो तीन जो सीरम्स है उसका मैं अभी आपको रिव्यू शेयर करती हूँ तो देखते हैं भैया नवरात्रि मेकअप गाइस देख सकते हो तो आप मेरे पास गुड वाइब्स के तीन सीरम हैं सबसे सब पहले तो गाइस बात कर लेते हैं गुड वाइब्स के बारे में नो पैराम्स नो सल्फेट्स नो एनिमल टेस्टिंग ये वाला ब्रांड है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए मेरे पास गुड वाइब्स की हर एक रेंज में से हर एक प्रोडक्ट है जो मैं ट्राई करती हूँ दे आर लाइक ऑसम सीरम हमें क्यों लगाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं ये हमारी स्किन के अंदर तक जाता है पेनिट्रेट करता है और मॉइस्चर को लॉक इन करता है कुछ जो सीरम्स होते हैं वो आपकी स्किन के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप लगाते हो ठीक है सबसे पहले मैं आपको बात दिखाती ये वाला गुड वाइब्स का रोजिप सीरम आज से दो साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली थी तब से ये मेरा फेवरेट वाला सीरम है इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ रोजिप ये है आपको न, ना नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगा रेडियंट ग्लो नहीं होता ये वो प्रोवाइड करेगा कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है एंड इसके अगर मैं टेक्स्चर की बात करू ना गाइस तो जेल टाइप का इसका टेक्सचर है लिटिल बिट ऑफ यू विल फील लाइक इसके अंदर ना ड्राई स्किन वाले हो ना तो यू विल लव दिस सीरम यू विल लव दिस सीरम ड्राई स्किन की कैटेगरी में हो हल्का सा आफ्टर यू विल फील समथिंग यू नो ऑयलीनेस ऑयलीनेस भी नहीं एग्जैक्टली बट डेफिनेटली वो मॉइस्चर है इसके अंदर ठीक है तो ड्राई स्किन वाले हो प्लीज आप इसको ट्राई करो यू विल लव इट प्राइस की बात कर लू तो गाइस टू वन फाइव टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन रूपीज इसका प्राइस है और टेन एम एल आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी इसमें आपको बड़ी वाली पैकेजिंग भी मिल जाएगी फिर मेरे पास है गाइज ये वाला गुड वाइब्स का वाइटामिन सी एंड वाइटामिन बी थ्री ये भी स्किन ग्लो सीरम है और ये कुछ देख सकते हो आप ये आपके स्किन को नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करेगा एंड अगर मैं इसके इनग्रीडियंट्स की बात करूँ गाइज तो इसके अंदर डाला हुआ लीकरिश एक्सट्रैक्ट मलबरी नायासिनामाइड और ऑरेंज एक्सट्रैक्ट योग ये जो होता है ना गाइस ये आपके दाग धब्बे खत्म करने में आपको हेल्प करता है कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है और आपको मैं थोड़ा सा इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ वेट यहाँ पे अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करू ना गाइस ये काफी लिक्विडी साइज का टेक्स्चर है और ये काफी वॉटरी बेस्ड है जैसे ये जेल बेस था ना हल्का सा आप देखो इसमें कैसे ग्लो आ चुका है ठीक है ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और ये वाटरी सा थोड़ा बेस है तो ऑयली स्किन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ये वाले सीरम को ये तो वैसे हर एक स्किन टाइप के लिए सूट करेगा लेकिन ऑयली स्किन वालों को भी ये काफी पसंद आएगा अगर इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रूपीज और टेन एम एल की आपको क्वांटिटी मिल जाएगी बात कर लेते हैं ये वाले सीरम की ये मैंने करंटली यूज करना शुरू किया ओ माय गॉड मुझे ये बहुत पसंद आया गुड वाइब्स का डेंडेलियन एज डिफाइंग फेस सीरम 10 एम एल है और प्राइस इसका 175 ओके okay, ये उससे भी सस्ता है एंड गाइस ओ हो इसका जो टेक्सचर है ना मुझे बहुत अच्छा लगे ये जो व्हाइट व्हाइट सा एंड आ, बहुत ये देखो मैं आपको यही बताना चाह रही थी एक सेकंड रुको ये देखो ये जो इसका टेक्सचर है ना कुछ इस तरह से ये गुई सा चिपचिपा ये कुछ इस तरह से चिपचिप -चिप सा इसका टेक्सचर जब आप इसको स्प्रेड करते हो ना अपने स्किन के ऊपर ओहो इतनी मस्त हो जाती है ना स्किन और जो इसका आफ्टर रेसिड्यू कुछ भी नहीं है हर एक स्किन टाइप को ये वाला सीरम सूट करेगा हर एक स्किन टाइप को ये वाला सीरम पसंद आएगा नहीं ट्राई किया ना प्लीज आप जरूर ट्राई करो एज डिफाइंग है एंड फेस सीरम ये वाला आपके फाइन लाइन्स और रिंकल्स के ऊपर भी ये काम करेगा और अगर आपके दाग धब्बे हैं देख सकते हो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है रिड्यूस करेगा आपके जितने भी एज स्पॉट्स हैं या फिर अगर आपके दाग धब्बे हैं रिंकल्स हैं फाइन लाइन्स हैं सबको हटाएगा हेल्दी बनाएगा स्किन को यूथफुल और रेडियंट करेगा करंटली मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट ऑसम है